अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 13 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज प्रोफाइल पिक्चर। आप प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं जीमेल के अंदर और प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कैसे कर सकते हैं जीमेल के अंदर, और इसके अलावा हम देखेंगे कि थीम्स, पासवर्ड वगैरह और यूजर नेम एंड यूजर ईमेल वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ। जीमेल को मैंने ओपन किया और इनबॉक्स में एक और मैसेज है, इसको मैं डिलीट करना चाहे आप यहां से इनबॉक्स पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें उसको, आप डिलीट कर दें। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप थीम्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, अकाउंट कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे, माय अकाउंट पे क्लिक करें। देखें यहां पे आपने क्लिक करना है गूगल एप्स के अंदर और माय अकाउंट के अंदर आपने क्लिक करना है। माय अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, इसमें साइन एंड सिक्योरिटी है, क्लिक करें इस पे। प्रोफाइल इन्फो है, अब यहां पे ईमेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ईमेल पे आप क्लिक करें। ईमेल आ गया है, रिकवरी ईमेल आ गया, और इस ईमेल में एडिटिंग करना चाहें तो एडिट पे क्लिक करें। यहां पे निक नेम ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं, ईमेल वगैरह आप यहां पे चूज कर सकते हैं, प्राइमरी ईमेल आपका ही है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं यहां पर इस बटन पे क्लिक करें या फिर यहां पर जाए और यहां पर आपके पास सेटिंग सेटिंग्स भी जाना है तो यहां पे आप सेटिंग पे क्लिक करें। यहां से भी आप हर चीज को चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। तो सेटिंग में काफी सारे ऑप्शन है, हम कुछ ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब सेटिंग में सबसे पहले जनरल, जनरल में क्या है, सेटअप लैंग्वेज, फोन नंबर, आप फोन नंबर पाकिस्तान के, मैक्सिमम पेज साइज कितना होना चाहिए 50, नंबर ऑफ यहाँ पे जी कन्वर्सेशन पर पेज कितनी होनी चाहिए 50 होनी चाहिए, 250 शो करे, रिप्लाई आल, रिप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे सामने आ जाए। ये लेबल है, आप जब यूज करेंगे आपको समझ आ जाएगा लेबल क्या है। लेबल सामने जो आपको बस नजर आ रहे हैं इनबॉक्स आ रहे हैं, ये सारे आपको आ रहे हैं, इनबॉक्स है ये, तो मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ स्टार्टेड को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो हाइड हो गया। इसी तरह इंपॉर्टेंट को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ तो आप हाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हाइड है इसको शो करना चाह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट शो हो जाएगा, आप हाइड करना चाहे तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। स्टार्टेड को हाइड करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं शो कर सकते हैं, हाइड करते हैं हाइड हो जाएगा। चैट को शो करना चाह रहे हैं हाइड करना चाहिए, यहाँ से आप शो और हाइड कर सकते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक करें, इनबॉक्स में मेरे पास तीन ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी होता है, सोशल होता है और प्रमोशन होता है अपडेट फॉर्म। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ प्राइमरी मेरे पास सामने नजर आए, सोशल और प्रमोशन नजर ना आए तो अपन को भी हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर सामने लाना चाहिए तो आप यहाँ सामने ला सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट एंड इंपोर्ट है, इसमें आपने चेंज पासवर्ड, पासवर्ड को चेंज करना है तो क्लिक करें यहाँ पे। सबसे पहले आपने साइन इन करना है पासवर्ड जो है, इसके लिए आप साइन इन करें तो पासवर्ड जो मेरा था वो मैं लिखाता हूँ। साइन इन करता हूँ, अब आपसे पासवर्ड मांगेगा, न्यू पासवर्ड मांग रहे हैं और इसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ से न्यू पासवर्ड कंफर्म करेंगे तो आपसे चेंज होएगा पासवर्ड, चेंज अगर करना चाहें तो। कॉन्टैक्ट वगैरह इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई नया ईमेल आप ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। एडिट इन्फो पे क्लिक करें, एरर दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइन आउट करने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल्टर एंड ब्लॉक एक्सेस है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, किसको ब्लॉक करना है, फॉरवर्डिंग है, चैट है, चैट को ऑफ करना चाहे तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, चैट ऑन करना चाहिए तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। थीम तो आप यहां से चेंज करना चाहते हो तो थीम पे क्लिक करें। सेट थीम पे क्लिक करें,
काफी सारे थीम आ जाएंगे, आप यहाँ से जो भी थीम आपको अच्छा लगता है आप वो थीम सेलेक्ट करके आप ओके कर दें, सेलेक्ट किया एंड सेव कर दें यहाँ पे। अब इसका थीम चेंज हो जाएगा, देखें इसका थीम चेंज हो चुका है। कोई और थीम लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो आप ओके भी लगा सकते हैं। थीम चेंज हो गया। सिंपल डार्क में लगाना चाह रहा हूं तो मैं क्लिक करता हूं यहां पे, सिंपल डार्क थीम आ जाएगा, डार्क थीम आ गए। नॉर्मल थीम लगाना चाहते हैं लाइट, तो आप यहां से लाइट भी लगा सकते हैं। तो इन जी थीम आप चेंज यहां से कर सकते हैं। ओके इसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर को अगर आपने चेंज करना है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे आप तैमूर पर इस पे क्लिक करें, पिक्चर है यहाँ पे इस पे क्लिक करें चेंज। और यहाँ पे आपस आ जाएगा, आप यहाँ से पिक्चर अपलोड फोटो है योर फोटो, अगर मेरे पास फोटो पड़े हुए यहाँ पे तो मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड के लिए मैं यहाँ पे ड्रैग भी कर सकता हूँ और सिलेक्ट ऑन कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। और मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ फोटो पड़े हुए, ये वाला एक फोटो है फॉर एग्जाम्पल, ये अपलोड हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अकाउंट है जीमेल का, जीमेल बहुत ज्यादा यूज होता है जीमेल में, इजी होता है जीमेल अकाउंट, इसमें प्रोफाइल पिक्चर वगैरह चेंज करना ये सारी चीजें। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ, साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ, ये करता हूँ और सेट एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आपने जो भी पिक्चर यहाँ पे रखनी है आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली पिक्चर सिलेक्ट हो गई है। इसके अलावा इसमें और भी काफी सारी पिक्चर होती है, अगर आपने और भी काफी सारी पिक्चर अगर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे गूगल प्रोफाइल पे क्लिक करें, कंप्लीट अपना एल्बम बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तैमूर आ गया, और यहाँ पे अपने कवर फोटो भी चेंज करना है तो चेंज कवर पे क्लिक करें, बैक साइड पे अपने कवर फोटो भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें इसको, और यहाँ से आप कवर फोटो भी चेंज कर सकते हैं। गैलरी से अगर उठाते हैं, अगर आप काफी सारे फोटो अगर आपने अपलोड किए हैं आप वहां से उठा सकते हैं, गैलरी में भी फोटो है इसके कवर फोटो, और यहाँ से आपको मर्जी आप जो भी यहाँ से यूज करते हैं, ये वाला मैं यूज करता हूँ, ये वाला फोटो आ जाएगा। अदरवाइज आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर पड़े हो तो आप सिलेक्ट फ्रॉम फाइल में एल्बम में अगर आपके पास पड़े हुए उससे, और कवर फोटो अगर आपके पास पड़े हुए तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से क्लिक करता हूँ और गैलरी में ये वाला फोटो में इस पर क्लिक करता हूँ, और उसमें सेलेक्ट कवर फोटो पे क्लिक करता हूँ। ओके देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, कवर फोटो सेलेक्ट हो गया। ओके इसके अलावा अगर आपने और भी फोटो वगैरह ऐड करने हैं, एल्बम वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करें, मेरे पास अभी यही फोटो है आप देख सकते हैं। और वीडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई भी वीडियो भी नहीं पड़ी हुई। सर्कल मीन आपके पास आपके साथ कौन कौन ऐड है वो सर्कल होता है आपके पास, पोस्ट आपने क्या किया हुआ है वो पोस्ट आ जाएगी यहाँ पे, जो चीज लिखेंगे तो आपके जितने लोग ऐड हैं आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे के सारे इस पोस्ट को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अपने फोटो ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, वीडियो वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपके साथ जितने भी लोग ऐड हैं, जितने भी फ्रेंड ऐड हैं वो सारे सारे आपके पोस्ट देख सकेंगे। ओके इसके अलावा फोटो पे क्लिक करता हूँ मैं, फोटो कोई भी नहीं है, प्रोफाइल फोटो कोई नहीं है, तो आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐड करते हैं फोटो ऐड करें, पूरा एल्बम बनाना चाह रहे हैं एल्बम पे क्लिक करें, और प्रोफाइल एल्बम आपने ऐड करनी है यहाँ पे तो राइट क्लिक करें, कहाँ से ऐड करेंगे, अपलोड करते हैं हम यहाँ पे क्लिक फ्रॉम ब्राउजर, और यहाँ से कुछ फोटो अपलोड करते हैं, ये एल्बम बन जाएगी। जब इसको अपलोड करेंगे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये पूरी एल्बम बन जाएगी, ये अपलोड हो रहे हैं। फोटो के यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं,
न्यू फोटोज। जब ऐड हो जाए तो आप यहां से ऐड करेंगे तो ये हम ऐड हो जाएंगे, और ये अपलोड और भी करना चाहिए तो आप और भी कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड। कैप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहे लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अभी सारे फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे। कमेंट्स वगैरह देना चाह रहे हैं कमेंट्स दे सकते हैं, शेयर करते हैं अगर आप शेयर करते हैं किसी को तो आप शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में शेयर करना चाह रहे हैं शेयर कर सकते हैं। स्किप करता हूँ इसको, फ्रेंड को शेयर करते हैं, फैमिली को शेयर करते हैं, फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ एंड शेयर करता हूँ तो शेयर हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐड है नहीं ये शेयर हूँ। ओके अब मैं फोटो पे क्लिक करें, पोस्ट किए हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, अपने कोई पोस्ट किया तो वो भी शेयर है, अबाउट में आप जाएं तो आप ये यूज करें, आपको आसानी होगी और आप अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। वीडियो वगैरह अपलोड करनी है वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ओके तो ये था जी आपके पास फोटो, आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आप अपने एल्बम कैसे बना सकते हैं और कंप्लीट फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इकट्ठे फोटो जब भी आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट वो एल्बम बन जाएगा, आप उस एल्बम का नाम चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ही कंप्लीट समझ आया होगा कि आप फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं, फोटो को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा आप पूरा एल्बम कैसे बना सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कैसे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को आप सर्च कैसे करेंगे। तो सर्च करने का क्या तरीका है कि आपके जो जो ऐड यहाँ पे जो जो जीमेल आपने मेरा अपने जीमेल में या फिर आपका जो ये आईडी है, अब हम जब फेसबुक पे काम करेंगे इसके बाद तो फेसबुक से आपको पता चल जाएगा कि जीमेल में आपका फ्रेंड ऐड कैसे होते हैं। तो आपके जितने भी फेसबुक में जो फ्रेंड होंगे उनका अगर जीमेल का अकाउंट भी है वही अकाउंट है, जीमेल का भी अकाउंट वही फेसबुक से रिलेटेड है, तो सारे सारे आपके साथ ऐड होते जाएंगे। तो आप यहां से जीमेल से भी आप उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। सो साइन आउट करता हूं यहां से प्रोफाइल में, फिर जाते हैं देखते हैं जरा, देखें ये कंप्लीट, देखें प्रोफाइल पिक्चर साथ के सारे सारे फोटो ऐड होंगे और ये शेयर हुए। अब मेरे पास जो भी फ्रेंड मेरे ऐड होंगे वो सारे के सारे को देख सकेंगे। फ्रेंड आप ढूंढना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ढूंढे, मैं देखता हूँ जरा। ऐड पीपल पे क्लिक करें, सर्च पीपल, पीपल अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं सर्च करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, तैमूर पर भेजें और यहाँ से अपने किसको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करें यहाँ पे देखें तैमूर के नाम से कितने ज्यादा लोग आ गए यहाँ पे। तैमूर पर भी यहाँ पे आ गए देख सकते हैं। ओके तो मेरा प्रोफाइल आ गया, मेरे सारे का सारा डेटा आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और इसमें मेरे साथ जो जो लोग ऐड हैं या ऐड करना चाह रहे हैं आप ही अपने सर्कल में ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये लोग आपके साथ ऐड होते जाएंगे। फ्रेंड है फैमिली में आप इसको ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मेरा डेटा है और यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करें तो मेरे जितने भी एल्बम होंगे वो सारे सारे आपके पास सामने आ जाएंगे। देखिए
सारे एल्बम में फोटो वगैरह यहाँ पे सामने आपके आ गए। तो ये जी आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।